हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। पर जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तक होली जा चुकी होगी, बट कोई नहीं, आप सभी के साथ मुझे अपना ये होली वाला व्लॉग तो शेयर करना ही था। तो ये क्लिप है होलिका दहन की। करीब 10:30 बजे सोसाइटी में होलिका दहन हुआ था और मैं और हस्बैंड गए थे नीचे पूजा में, और फिर हमने आराम से वहाँ पर पूजा की। मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम और पलक। तो आज है होली, तो सबसे पहले हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो बस उठ के मैंने स्नैक्स वगैरह रेडी किया है और घर तो ऐसे ही अस्त व्यस्त है। सुबह बस झाड़ू लगा लिया था क्योंकि आज मेड नहीं आने वाली है, उसके बाद आज सुबह सुबह मैंने सारा स्नैक्स वगैरह बना लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। और मेरी 2 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आपने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा जब मैं अपनी फ्रेंड के वहाँ होली में गई थी, उसके बाद मैं जब घर आई ना तो रात से ही मुझे फीवर हो गया था और मम्मी को भी हो गया था साथ के साथ। बॉडी इतना पेन कर रही थी, बिल्कुल भी कुछ काम नहीं कर पा रही थी। और मैं नौमी को भी कल रात से फीवर हो गया था, बट मैंने उसे मेडिसिन वगैरह दे दी थी तो वो आज अभी ठीक है और सुबह से वो पानी से खेल रहा है। और वह ही सारा उसने बालकनी पूरी भिगा दी थी और अपने को भी भिगा दिया था। तो इस तरह से उसकी होली चल रही है। अभी वो बैठा है, मैंने उसको बोला कि अभी थोड़ी देर में हम नीचे जाएंगे, तो हमारा सोसाइटी में ही सारे हैं और तो हम सभी लोग नीचे जाएंगे, वहाँ पे हम अच्छे से होली सेलिब्रेट करेंगे सभी के साथ, सोसाइटी वालों के साथ। और अभी नौमी को मैंने ज़बरदस्ती टीवी देखने के लिए बैठाया है। मैंने कहा फिर वो उसको ना ज़्यादा वो पानी से खिलेगा तो अभी उसे ठंड लग जाएगी, नीचे तो धूप होगी तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं लंच की भी तैयारी करके जाऊँगी क्योंकि फिर वहाँ से आके ना नहा धो के फिर खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो सब पहले ही मैं लंच बना लूँगी। और लंच में तो आज हमारे वहाँ सिंपल सी कढ़ी चावल ही बनते हैं होली वाले दिन, तो कढ़ी चावल बनाऊँगी मैं। पकौड़े मम्मी बोल रहे थे कि मैं बना लेती हूँ अभी, तो तुम कढ़ी बना लेना, तो मम्मी ने पकौड़े बना दिए हैं, मैं अभी थोड़ी देर में कढ़ी बनाऊँगी। और वैसे तो क्लब हाउस में लंच रखा हुआ है बट हमको ना आज घर का ही अच्छा लगता है तो हम लोग घर पे ही लंच कर लेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी सोसाइटी में किस तरह से हम लोगों ने होली सेलिब्रेट किया। और अगर आपको होली वाला व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं कि हम लोग होली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके बाद घर पर हम सब ने एक दूसरे को टीका लगाया और कलर भी लगाया। और नौमी तो होली के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड था ना, इसके लिए उसने खूब सारी शॉपिंग भी की थी अपने पापा के साथ। और फिर उसने अपने दादू को भी टीका लगाया। चाहे कोई भी त्यौहार हो वो अपने दादू को कभी भी नहीं भूलता है। हालांकि वो कभी भी अपने दादू से मिला नहीं है बट पता नहीं क्यों उसे एक अलग ही लगाव है अपने दादू के साथ। Thank you.
तो बस घर पे होली सेलिब्रेट करने के बाद हम नीचे गए और पूरी सोसाइटी वालों के साथ हम सब ने होली सेलिब्रेट की और खूब सारे एंजॉय किया। आप भी देख लीजिए कि हमने किस तरह से होली सेलिब्रेट की। We rise like tall buildings.
as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. इस तरह से रही हमारी इस साल की होली। आई होप आप सभी की होली भी बहुत अच्छी रही होगी और आप सभी ने भी खूब इंजॉय किया होगा। और भगवान करे हर साल आपकी होली इसी तरह से रंगीन हो और आपके जीवन में भी इसी तरह से रंग बिखरे। इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी ने ये व्लॉग ज़रूर इंजॉय किया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।